जंतुओं के पैरों के बारे में कितनी मजेदार बात बताई है ना। हाँ, 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 मनुष्य के दो पैर होते हैं, सभी पंछियों के भी तो दो पैर होते हैं और पशु के चार पैर होते हैं। बस कंगारू ऐसा जीव है जो दो पैरों पर चलता है, तो कभी चार पैरों पर, और जब उसको अपनी पूंछ का इस्तेमाल करना पड़ता है तब वो अपनी पूंछ को अपने पैरों की तरह उपयोग करता है। मैंने कंगारू के ऊपर एक कविता बनाई है, सुनाऊं? हाँ, हाँ, सुनाओ। देखो शीला, देखो चारू, कैसे कूद रहा कंगारू। दिखने में तो सीधा साधा होता है पर बड़ा जिझारू। साथियों, सिमरन ने तो बड़ी सुंदर कविता सुनाई, लेकिन मेरा मन तो एक पहेली पूछने का कर रहा है। क्या मैं पूछूं? हाँ, हाँ, पूछो। एक जगह पर कई चींटियां हैं, उनके कुल पैर है 30, तो बताओ कुल चींटियां कितनी होंगी? ओह, ये तो बड़ी मुश्किल पहेली है। तो इसमें देखना क्या है, चलो अध्यापिका जी से ही जीवों के पैरों के बारे में और पूछ लेते हैं। सुप्रभात बच्चों, बैठिए बैठिए। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में जीव जंतुओं के पैरों के बारे में पढ़ा था। जी मैम। आपने चीटा और चीटियां को तो देखा ही होगा, देखा है ना? हाँ, तो बताइए उनके कितने पैर होते हैं? अध्यापिका जी, मुझे चीटों को देखने में बहुत आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है, कई बार मैंने उनके पैर भी गिने हैं और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। और हाँ, कभी कभी वह एक पंक्ति में भी चलती हैं। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है। अरे वाह, आप तो स्वयं गिनकर आए हैं, तो आपका उत्तर सही है। बच्चों, आपको पता है चींटी के अतिरिक्त ऐसे और भी कीट हैं जिनके 6 पैर होते हैं, जैसे भवरा, मक्खी और हाँ मैम, झिंगुर और तितली। अरे हाँ, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आपको तो कीटों के बारे में बहुत रुचि है। तो बच्चों, आप में से किसी को पता है क्या ऐसा भी कोई कीट है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? जी मैम, मकड़ी। हाँ, मकड़ी। और हाँ, मकड़ी के 8 पैर ही दिखाई देते हैं जब वह जाली पर चलती हैं। बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको ऐसे कीटों के बारे में बताती हूँ जिनके 30 से लेकर 382 तक पैर होते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको इस अद्भुत कीट का नाम बताती हूँ। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। क्या आपने कनखजूरा कभी देखा है? नहीं मैम। नहीं, आपने कभी नहीं देखा? वास्तव में इनका घरों में मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ सीलन या अंधेरा होता है, और गीले पेड़ों के तनों के नीचे, गीले घास के पत्तों के नीचे ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं। पर बच्चों, सोचने वाली बात है, यह जंतु इतने सारे पैरों से कैसे चलता है? तो आप सभी कनखजूरा को ध्यान से देखिए और अपने साथियों को भी बताइए, ठीक है? जी मैम। दोस्तों, आपको पता है एक बार घोंघे और कनखजूरे के बीच दौड़ की शर्त लग गई। कनखजूरे को विश्वास था कि दौड़ वही जीतेगा। जंगल के सारे जानवरों को भी लगता था कि बाजी तो कनखजूरा ही जीतेगा। यहाँ तक कि घोंघे को भी मालूम था कि वे दौड़ में कनखजूरे का मुकाबला नहीं कर सकता। तब जानते हो घोंघे ने क्या किया? उसने अपना दिमाग लगाया। बस दौड़ शुरू होने से पहले वह सरकता हुआ कनखजूरे के पास पहुंचा और बोला, कनखजूरे भाई,
एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कन खजूरा तो जीत के आत्मविश्वास में डूबा हुआ था। वह अकड़ कर बोला, बिल्कुल नहीं, पूछो पूछो। घोंगे ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना पूछना था कि तुम चलते हो तो सबसे पहले कौन सा पैर उठाते हो? अब तो कन खजूरा पड़ गया सोच में। पहला पैर? नहीं नहीं, तीसरा पैर? अरे नहीं, पांचवा? उफ, शायद सबसे आखिरी। कन खजूरा इसी सोच में पड़ा रहा और सोचता रहा और फिर सोचते सोचते थक कर सो गया। और घोंगा, उसने दौड़ जीत ली। तो प्यारे साथियों, कैसी लगी चालाक घोंगे की कहानी? है ना मजेदार? इसीलिए कहते हैं, जहां शरीर के बल से काम ना बने, वहां बुद्धि के बल से काम लेना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए, एक दिन किसी जगह पर कन खजूरा, केचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हो। कन खजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है और चिड़िया अपने पंखों के बारे में कुछ कहती है। केचुआ भी चुपके से कुछ कहता है। फिर आप भी कुछ ना कुछ तो जरूर कहोगे। सचमुच कितनी मजेदार बातें होंगी। ये बातें अपनी कॉपी पर फटाफट लिख डालो और लिखकर अपने साथियों को दिखाओ। फिर उनसे भी पूछो, देखे वो क्या बताते हैं। हो सकता है इस पर भी कोई मजेदार कहानी बन जाए। अच्छा चलो, अब एक और मजेदार खेल खेलते हैं। पहले अपने हाथों को देखो और अब अपने पैरों की ओर। क्या तुम्हें इन दोनों में कुछ समानताएं दिखती हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाथ में अंगूठा है। हाँ, और पैर में भी अंगूठा है। हाथ में उंगलियां हैं, पैर में भी उंगलियां हैं। हाथ दो हैं और हाँ, पैर भी तो दो हैं। अच्छा, अब आप भी सोचो कि हाथ और पैर में क्या क्या समानताएं होती हैं। सोचो सोचो और अपने साथियों के साथ साझा करो। साथियों, अब समय है कुछ और मजे करने का। मैं एक एक वाक्य बोलती जाती हूँ और आप बताइए हाँ या ना। आप सब तैयार है ना? सभी जीवों के केवल दो ही पैर होते हैं, हाँ या नहीं? नहीं। केचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते, हाँ या नहीं? बिल्कुल सही, हाँ। दो पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, हाँ या नहीं? हाँ। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं, हाँ या नहीं? बोलो बोलो। हाँ, जीवों के पैरों की संख्या शून्य से लेकर कई सौ तक हो सकती है, हाँ या नहीं? बताओ बताओ। अच्छा दोस्तों, आओ अब जीव जंतुओं के पैरों की गिनती करते हैं। शून्य पैर वाले या कहें बिना पैर के जीव। हाँ बिल्कुल सही कहा। केंचुआ, सांप, मछली, सीप, घोंगा, दो पैर वाले जीव। हाँ, मनुष्य और सारे पक्षी, चार पैर वाले जीव, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, बकरी, बंदर, हाथी, भालू। ओहो, आप सबको तो बहुत सारे नाम याद हैं। हाँ, अधिकतर पशुओं के चार पैर होते हैं। छह पैर वाले जीव, चींटी, चींटा, भंवरा, तितली, झिंगुर, जूं, दीमक,
आठ पैर वाले जीव, मकड़ी, बिच्छू। अच्छा, अब उन जीवों के नाम बताओ जिनके आठ से ज्यादा पैर होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा, केकड़ा, झींगा, गोजर, कनखजूरा। अच्छा दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक मजेदार कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।